नमस्कार किसान भाइयों, बारिश के दिनों में हमारे खेतों में बहुत सी खरपतवारें उग जाती है जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक भी होती है। लेकिन किसान भाइयों, बहुत सी खरपतवार ऐसी है जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है और जिनका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो किसान भाइयों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस खरपतवार के बारे में, जिसे आप लोग खरपतवार समझते हैं वो बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण एक बहुत लाभकारी औषधि है। इसे इसकी पहचान आप ये देखकर कर सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा नमकीन स्वाद इसका होता है, जिसे खपरा भी बोलते हैं, और ये जो पुनर्नवा होता है उसी प्रजाति का एक पौधा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसके सेवन से जो घुटनों में दर्द होता है, किसी को नज़र की कमजोरी होती है, आंखों में कमजोरी होती है, और जिसको जो पुरुषों के रोग होते हैं, गुप्त रोग होते हैं उसमें, और बालों का झड़ना, घुटनों में दर्द, बहुत सी बीमारियों में इसका सेवन किया जाता है। तो किशन भाई, अगर इसकी सब्जी बनाकर खाई जाए तो बहुत सी बीमारियों में यह लाभकारी होती है और इसका सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग पहले के ज़माने में कभी भी बाजार से खरीद कर सब्जी नहीं लाते थे, और जो हमारे खेतों में जो उगता था, बहुत सी ऐसी और भी औषधियाँ हैं और भी पौधे हैं, वो लोग उन्हीं की सब्जी बनाकर खाते थे, कभी भी वो बाजार से सब्जी खरीद कर नहीं लाते थे। आजकल के ज़माने में आजकल के लोग इसे घास फूस समझते हैं कि ये एक घास है, और जो बाजार में सब्जी मिलती है, आलू गोभी, सिर्फ उन्हीं को सब्जी मानते हैं। तो किसान भाव, इसकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। आज इसकी सब्जी बनाने का मैंने भी विचार किया है, मैं भी इसकी सब्जी बनाऊंगा और उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, आपको सब्जी बनाना भी मैं सिखाऊंगा। तो आप भी इसकी सब्जी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ये पौधा है। तो इससे आपका सब्जी का खर्च भी बच जाएगा और आपकी खरपतवार भी पौधों से निकल जाएगी और स्वास्थ्य को लाभ भी इससे बहुत होगा। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और जो घंटी का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लेना, और मैं इसकी सब्जी बनाऊंगा तो इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के पास में अपलोड करूंगा, ताकि आपको भी इसका सब्जी बनाना आ सके, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को इसकी सब्जी बनानी नहीं आती, तो उनको भी मैं इसकी स्वादिष्ट सब्जी बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि घर में सब्जी मैं ही बनाता हूँ, खासतौर से जो ऐसी चीज़ें रहती हैं उनकी सब्जी मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरी माँ इनकी सब्जी बनाया करती थी, और अब मेरी माँ तो बीमार रहती है, और जब इस तरह की जो सब्जी बनानी रहती है, हरी सब्जी, ऐसे घास फूस वाली सब्जी जब बनानी रहती है तो मैं ही बनाता हूँ। तो किसान भाइयों, आप लोगों को भी मैं ये सब्जी बनाने वाला जब सब्जी बनाऊंगा तो इसका वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, तो आप भी इसका सब्जी बनाना जरूर सीखना और इसकी सब्जी बनाकर खाना, तो आप लोगों को भी बहुत सारे इससे लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।